सो वेलकम बैक गाइस टू द चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे होंगे। तो आज हम करेंगे लास्ट थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन, ठीक है, और उसके बाद हम कर लेंगे आज इनकी रिवीजन, ठीक है। दो दो तीन तीन लाइन में या एक पैराग्राफ में ट्राई करूँगा इनको मैं फिर से एक्सप्लेन करने की, इन केस अगर कोई डाउट आता है तो गाइस प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारी एक थ्योरी रह चुकी है दैट इज़ योर सोशल लर्निंग थ्योरी। तो सोशल लर्निंग थ्योरी जो है सोशल लर्निंग थ्योरी बेसिकली दी है हमें अल्बर्ट बैंडूरा ने। एक सेकेंड, आप ठीक हो गया? ठीक है, तो हमें जो थ्योरी है वो दी है अल्बर्ट मैंडूरा ने, और इस थ्योरी में उन्होंने क्या बताया है कि हम इंडिविजुअल क्या करता है, जो भी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा है उनसे लर्न कर रहा है, उनको एडॉप्ट कर रहा है और अपने लाइफस्टाइल में इनहेरेंट कर रहा है, ठीक है। वेरियस सोशल एजेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, ठीक है। लाइक जिस इंस्टीट्यूशन में का पार्ट वो है, ठीक है, जैसी सोसाइटी का पार्ट वो है, ठीक है, जिस सोसाइटी में वो रह रहे हैं उस सोसाइटी का क्राइम लेवल किस तरह का है, ये सब एजेंट्स बनते हैं, ठीक है। तो ये सब इस थ्योरी में यहाँ पर अल्बर्ट बैंडूरा सर ने हमें समझाया है। तो सोशल वर्क थ्योरीज क्या कर रही है, मे बी टेकन फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स सच एज क्रिमिनोलॉजी, लॉ, एजुकेशन, पॉलिटिक्स, सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी। तो इंट्रोडक्शन टू सोशल लर्निंग थ्योरी एड्रेस इट्स फाउंडेशन एलिमेंट, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस अलॉन्ग विद इट्स एप्लीकेशन इन सोशल वर्क। तो ये थ्योरी डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगी इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क, इंक्लूडेड इन लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ ऑनलाइन रिसोर्सेज टू लर्न मोर, ठीक है। डिफरेंट सोर्सेज के लिए हैं, ये लाइन आप छोड़ भी दोगे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो सोशल लर्निंग थ्योरी क्या है, क्या सोशल लर्निंग थ्योरी हमें क्या कर रही है, सोशल बिहेवियर को गाइड कर रही है बाय ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स। बाकी क्यों के बिहेवियर के अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर जो एडजस्ट हो रहा है, जो हमारा सोशल बिहेवियर बन रहा है, वो हमें ये थ्योरी बताती है। तो साइकोलॉजिस्ट हैं अल्बर्ट बैंडूरा, ठीक है, जिन्होंने इस सोशल लर्निंग की थ्योरी बनाई है, और उन्होंने क्या बताया है कि चार प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू हमारे पास सोशल लर्निंग की जाती है या ये एजेंट्स बनते हैं, दैट इज़ योर अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। क्लियर? तो अटेंशन में क्या है कि अटेंशन क्या होती है, डिग्री टू विच वी नोटिस द बिहेवियर, ठीक है। बिहेवियर क्या करेगा, अटेंशन ग्रैब करेगा। कंसिडरिंग द नंबर ऑफ बिहेवियर्स वी ऑब्जर्व एंड डू नॉट इमिटेट डेली इंडिकेट्स अटेंशन इज क्रूशल। नेक्स्ट है हमारे पास रिटेंशन, कि जो हमने ऑब्जर्व किया है अब उसको हम कितना रिमेंबर कर पा रहे हैं या कितना रिटेन कर पा रहे हैं, और वो बिहेवियर आपके आपकी पर्सनालिटी में कितना एड ऑन हुआ है, ये हमारे पास क्या है, रिटेंशन में आता है। वी कैन नॉट परफॉर्म द बिहेवियर इफ वी डू नॉट रिमेंबर द बिहेवियर, सो वाइल अ बिहेवियर मे बी नोटिस्ड अनलेस अ मेमोरी इज फॉर्म्ड द ऑब्जर्वर विल नॉट परफॉर्म द बिहेवियर, एंड बिकॉज सोशल लर्निंग इज नॉट इमीडिएट रिटेंशन इज वाइटल टू द बिहेवियर मॉडलिंग। क्लियर? नेक्स्ट एजेंट क्या है, रिप्रोडक्शन, कि जो हमने रिटेन किया है बाय ऑब्जर्विंग अब उसको हम अपने बिहेवियर में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं या नहीं, दैट इज योर रिप्रोडक्शन। द एबिलिटी टू परफॉर्म द बिहेवियर विच वी ऑब्जर्व, ठीक है,
ये क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है आर डिसीजन मेकिंग को, ठीक है। इवन व्हेन वी विश टू इमिटेट एंड ऑब्जर्व बिहेवियर वी आर लिमिटेड बाय आवर फिजिकल एबिलिटीज। डिफरेंट एग्जाम्पल्स के थ्रू इन चीज़ों को आप समझ सकते हो। लाइक आपको कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस अच्छी लगती है, आप उनकी तरह बिहेव करने, आप उनकी तरह अपनी लाइफस्टाइल बनाओगे या आउटलुक वैसा मेंटेन करने की ट्राई करोगे, वो किस तरह से बात कर रहे हैं, किस तरह से वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप उन चीज़ों को नोटिस करोगे, दैट इज़ योर अटेंशन। मतलब आप उन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो, उन चीज़ों को रिमेंबर कर पा रहे हो, दैट इज़ योर रिटेंशन। उस चीज़ को, उस बिहेवियर को या उस आउटलुक को या उस एक्सप्रेशन को आप अपने बिहेवियर में अडॉप्ट करके एक्सप्रेस कर पा रहे हो, दैट इज़ योर रिप्रोडक्शन। क्लियर। नेक्स्ट मोटिवेशन। तो मोटिवेशन क्या करता है, एमुलेट द बिहेवियर। द मीडिएशनल प्रोसेस इज रेफर टू एज विजेरियस री इन्फोर्समेंट, इन्वॉल्व्स लर्निंग थ्रू ऑब्जर्विंग द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्शन फॉर अदर पीपल रादर देन थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर क्या है, मोटिवेशन क्या करता है, हमारे बिहेवियर को री इन्फोर्स करवाता है, जो हमने कहीं ना कहीं क्या कर लिया है, ऑब्जर्व कर लिया है, रिटेन कर लिया है और रिप्रोड्यूस कर लिया है। और जब हम उसी चीज़ में कंटिन्यूस हो जाते हैं तो वो हमारे अंदर क्या करती है, उस बिहेवियर को हमारे अंदर मोटिवेशन के थ्रू हमारे में हमारे बिहेवियर में एड ऑन कर देता है। क्लियर। तो नेक्स्ट क्या है, अजम्पशंस ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी। अजम्पशंस क्या हैं, पहली क्या है, पीपल लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन। हम ये चीज़ ऑब्जर्व एज्यूम करके चलते हैं कि इंसान क्या करता है, ऑब्जर्वेशन लर्न करता है। तो लर्नर्स कैन एक्वायर न्यू बिहेवियर एंड नॉलेज बाय मेयरली ऑब्जर्विंग ए मॉडल। नेक्स्ट, री इन्फोर्समेंट एंड पनिशमेंट। पनिशमेंट हैव इनडायरेक्ट इफेक्ट्स ऑन बिहेवियर एंड लर्निंग। पीपल फॉर्म एक्सपेक्टेशन अबाउट द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ फ्यूचर रिस्पॉन्सिस बेस्ड ऑन हाउ करेंट रिस्पॉन्सिस आर री इन्फोर्स्ड और पनिश्ड। ठीक है। तो जो री इन्फोर्समेंट है उसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है किस पे, इंडिविजुअल के बिहेवियर पे और उसकी लर्निंग पे। ठीक है। बाकी जैसी एक्सपेक्टेशन इंसान बना लेता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही उसके कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। वो कॉन्सिक्वेंसेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो किस पे डिपेंड करेगा, जैसा उसका रिस्पॉन्स किया होगा। क्लियर। मीडिएशनल प्रोसेस इन्फ्लुएंस आर बिहेवियर। तो कॉग्निटिव फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूट वेदर ए बिहेवियर इज एक्वायर्ड और नॉट। तो हमारे एक्शंस ही होते हैं जिनको हम कॉग्निटिव फैक्टर्स कहते हैं, तो वो डिफाइन करते हैं हमारा जो बिहेवियर है वो एक्वायर्ड बिहेवियर है या नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट, लर्निंग डज नॉट नेसेसरीली लीड टू चेंज। अब लर्निंग से चेंज आए या ना आए वो डिपेंड करता है ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ दैट वेरी इंडिविजुअल। अगर वो जिस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है, अगर वो लर्न कर चुका है बट उसको ये लग रहा है कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो वो उस चीज़ को अपने में अपने बिहेवियर में या अपनी पर्सनैलिटी में ऐड नहीं करेगा। ठीक है। अब लर्निंग हमेशा से चेंज लाएगी ऐसी पॉसिबिलिटी हमेशा नहीं होगी, मतलब उसकी पॉसिबिलिटी है बट प्रॉपरली होगा या उसकी श्योरिटी हो सकती है तो ऐसा कुछ नहीं है। पॉसिबिलिटी है बट श्योरिटी नहीं है। क्लियर। तो जस्ट बिकॉज ए पर्सन लर्न समथिंग डज नॉट मीन दे विल हैव ए चेंज इन देयर बिहेवियर। समटाइम्स नहीं भी होता है। क्लियर। नेक्स्ट एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है सोशल लर्निंग थ्योरी। ठीक है। पोजिट्स दैट पीपल एमुलेट द बिहेवियर दे ऑब्जर्व इन द एनवायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा है, क्या बच्चा क्या कर रहा है, वो अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व कर रहा है कि पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूस अपने ड्यूटी कर रहे हैं, दैट इज़ दे आर गोइंग फॉर इन और जस्ट फॉर अर्निंग मनी। ठीक है। दे आर गोइंग टू वर्क एवरी डे, वॉलेंटियरिंग एट लोकल कम्युनिटी, हेल्पिंग देयर सिग्निफिकेंट अदर्स विद टास्क अराउंड द होम, द चाइल्ड इज लाइकली टू मिमिक दोज बिहेवियर्स। ठीक है। तो इसमें अगर रिवॉर्डेड बिहेवियर्स हों, द बिहेवियर बिकम री इन्फोर्स एंड मोस्ट लाइकली रिपीटेड बाय द इंडिविजुअल। ए पर्सन हु ऑब्जर्व समथिंग ट्रीटिंग अदर्स पोअरली एंड बींग रिवॉर्डेड मे बी इट मे फॉलो द सूट। तो वाइस वर्सा भी साथ में हमें दिख जाता है कि जो एक
गुड बिहेवियर को ऑब्जर्व करने वाला बच्चा होगा, तो उसके अंदर वही कैरेक्टर्स आते जाएंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर कोई बच्चा है जो पुअर बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो पुअर बिहेवियर को ही लर्न करेगा। ठीक है, तो सोशल वर्कर्स कैन यूज़ लर्निंग थ्योरी टू आइडेंटिफाई द बिहेवियरल मॉडल्स अ क्लाइंट मे बी एम्यूलेटिंग एंड यूज़ दैट इन्फॉर्मेशन टू हेल्प करेक्ट नेगेटिव बिहेवियर सच एज अंडर एज ड्रिंकिंग, ड्रग एब्यूज, अनप्रोटेक्टिव सेक्स एंड सो ऑन। क्लियर? तो इन सब चीज़ों में जो ये लर्निंग थ्योरी है, हम उसके किसी भी इंडिविजुअल का बिहेवियर को स्टडी करेंगे। ठीक है, वहाँ से हमें समझ आएगा कि ये प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई है, और उस प्रॉब्लम का अगर हमें बेस समझ आता है तो हम उस प्रॉब्लम को क्योर कर सकते हैं। क्लियर? तो यही है यहाँ पर, ये जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं सोसाइटी में। क्लियर? तो हाउ डू सोशल लर्निंग थ्योरी अप्लाई टू सोशल वर्क, तो किस तरह से हो सकती है? इसके दो फील्ड रहेंगे, दैट इज़ योर रिसर्च एंड इंटरवेंशन। रिसर्च क्या कर रही है? वो थ्योरी को यूज़ कर रही है टू अंडरस्टैंड हाउ एग्रेसिव एंड वायलेंस कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। दिस थ्योरी कैन फर्दर यूज टू इन्वेस्टिगेट हाउ पॉजिटिव रोल मॉडल्स कैन फॉस्टर डिजायरेबल बिहेवियर्स एंड प्रमोट सोशल चेंज। तो रिसर्चर्स इस मॉडल को किस तरह से देखते हैं कि जो भी इसमें रोल मॉडल्स हमारे पास आते हैं, जो भी इशू बना होगा उसको ऑब्जर्व करने के बाद, कि रोल मॉडल जो है वो किस तरह से इस इशू को डील कर रहे हैं या ऑब्जर्व कर रहे हैं, और वो वहाँ से क्या कर रहे हैं, इसका जो भी आउटपुट्स दे रहे हैं वो कैसे हमारे पास चेंजेस ला सकता है। बट इंटरवेंशन के टूल्स से समझें तो सोशल वर्कर क्या कर रहे हैं, कैन इंप्लीमेंट सोशल लर्निंग थ्योरी टू इन्फ्लुएंस पॉजिटिव न्यू बिहेवियर्स बाय अल्टरिंग द री इन्फोर्समेंट वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव एसोसिएटेड विद द सोर्स ऑफ द इशू। तो इंटरवेंशन वाले क्या देखते हैं कि जैसी उस टाइम पर टेम्परेरी ऑब्जर्वेशन में है सोसाइटी, उसको किस तरह से चेंज किया जा सकता है। बट यहाँ पर क्या है, हमारे पास दो एस्पेक्ट्स आ सकते हैं, जो चेंज यहाँ पर आता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव चेंज ला रहे हैं तो दैट इज़ गुड, बट अगर वो नेगेटिव चेंज की तरफ ले रहे हैं चीज़ों, तो वो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा हम बोल सकते हैं एक थ्रेट है। क्लियर? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट टू इफेक्टिवली अप्लाई सोशल लर्निंग थ्योरी प्रिंसिपल्स एज एन इंटरवेंशन, इट इज़ एसेंशियल ए सोशल वर्कर इंक्लूड्स द यूज ऑफ अदर मेथड्स ऑफ वर्क सच एज सिम्बॉलिक कोडिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, विजेरियस री इन्फोर्समेंट एंड अदर्स। क्लियर? तो यहाँ पर ये थ्योरी होती है ख़त्म। यहाँ पर हमने नंबर ऑफ थ्योरीज ख़त्म कर दी हैं। मुझे लग रहा है कितनी थ्योरीज कर ली हमने, तीन वो हो गई, तीन ये हो गई, दो हमारी अप्रॉक्सीमेटली 8 थ्योरीज हो चुकी हैं अभी तक। ठीक है, 7 की 8 होंगी, मैं एक बार देख लूँगा इनका, मैं टेस्ट टेस्ट भी ले लूँगा। ठीक है, जल्दी ही इसके 2-3 टेस्ट ले लूँगा मैं आपसे, उसके बाद आगे चलते हैं थर्ड यूनिट की तरफ। तो आगे अब इनकी ही रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी तक जो हमने थ्योरीज की हैं, बेसिकली हमारी थ्योरी शुरू हुई थी फंक्शनलिस्ट थ्योरी से। तो फंक्शनलिस्ट थ्योरी के फाउंडर थे हमारे पास इमाइल दुर्कीम सर, और इमाइल दुर्कीम सर ने क्या बताया था फंक्शनलिस्ट थ्योरी में, कि हर एलिमेंट ऑफ सोसाइटी वो रेस्पॉन्सिबल है, और वो क्या कर रहा है, अपनी हर ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा है इन ऑर्डर टू मेंटेन द स्टेबिलिटी या इक्विलिब्रियम ऑफ सोसाइटी। ठीक है, हर एलिमेंट जो सोसाइटी का है वो क्या कर रहा है, अपना फंक्शन, अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है इन ऑर्डर टू मेंटेन अ सुटेबल बैलेंस या स्टेबिलिटी या इक्विलिब्रियम, आप कुछ भी टर्म यूज़ कर सकते हैं, कि इन ऑर्डर टू मेंटेन दैट इक्विलिब्रियम टू द सोसाइटी। क्लियर? या आप इक्विलिब्रियम इन द सेंस आप क्या कह सकते हो, कि जो भी मेंबर्स हैं ऑफ सोसाइटी उनकी नीड्स होंगी। इक्विलिब्रियम का कहने का क्या मतलब है, दैट इज़ योर नीड्स। अब नीड्स कैसी होंगी, या बायोलॉजिकल होंगी, या सोशल होंगी, या इकोनॉमिक होंगी, मतलब डिफरेंट टाइप की नीड्स हो सकती हैं। बट हमारे पास अगर सोशल एस्पेक्ट्स को लेके चलूँ मैं, तो सोशल नीड्स यहाँ पर फुलफिल हो रही हैं। अब सोशल नीड्स में क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव एलिमेंट्स भी होते हैं और नेगेटिव एलिमेंट्स भी होते हैं। तो इन सब चीज़ों को एस्टेब्लिश करवाने के लिए, जैसे जुडिशरी हमारे पास किस तरह से हेल्प करती है, कि हमें डिफरेंशिएट करके देती है क्या चीज़ गलत है और क्या सही है। ठीक है,
लॉ के थ्रू हम उन चीज़ों को अप्लाई करते हैं। क्राइम क्या है, एक नॉर्मल एलिमेंट है सोसाइटी में, तो सोसाइटी की कन्फर्मिटी को देखते हुए यहाँ पर फंक्शनलिस्ट क्या कहते हैं कि ये एजेंट्स बन सकते हैं फॉर सेकेंडरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन के लिए कौन होती है, फैमिली होती है, पेयर ग्रुप होता है, पेरेंट्स होते हैं। बट सेकेंडरी सोशलाइजेशन के लिए क्या आ जाती है, दैट इज़ योर एजुकेशन, रिलीजन, वर्क प्लेस एंड सो ऑन। क्लियर? तो नेक्स्ट थ्योरी में बात करें तो नेक्स्ट थ्योरी है हमारे पास कन्फ्लिक्ट थ्योरी, जो दी थी हमें कार्ल मार्क्स सर ने। तो कार्ल मार्क्स सर ने क्या बोला था कि दो डिवीजन ऑफ सोसाइटी रहेंगी, दैट इज योर हैव्स एंड हैव्स नॉट। ठीक है, हैव्स एंड हैव्स नॉट। ठीक है, या हैव्स नॉट में ही क्या होंगे, डिफरेंट ग्रुप्स होंगे जो कंटिन्यूस कॉम्पिटिशन में होंगे, ठीक है, फॉर देयर सुपेरियॉरिटी। या हैव्स को भी छोड़ दो, ये कंटिन्यूस कंपटीशन में कौन सुपीरियर बनता है, और उस तरह से हायरार्की बनेगी, और उस हायरार्की में जो सेटअप ऊपर आ जाएगा वो बन जाएंगे हैव्स, या उनका क्या हो जाएगा, रिसोर्सेज पे कंट्रोल हो जाएगा, और बाकी सारे फिर से कंपटीशन में घुस जाएंगे इन ऑर्डर टू एक्वायर दीज रिसोर्सेज। क्लियर? ये है हमारे पास कन्फ्लिक्ट थ्योरी में। और कार्ल मार्क्स यही कहते थे कि कन्फ्लिक्ट क्या करता है, सोशल चेंज लाता है। कन्फ्लिक्ट क्या करेगा, लीड्स टू सोशल चेंज। क्लियर? ये देख लो, इनइक्वल डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज अमंग ह्यूमन बींग्स जनरेट कन्फ्लिक्ट्स नीडिंग टू बी रिजॉल्व। और कन्फ्लिक्ट्स क्या करते हैं, हमारे पास सोशल चेंजेस लाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थ्योरी की तो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट थ्योरी हमारे पास क्या है, सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म। तो इसको लीड कर रहे हैं हमारे पास जी एच मीड सर। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि ह्यूमन इंटरेक्शन जो है वो बाय मीन्स ऑफ एक्शंस, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ जेस्चर्स, बाय मीन्स ऑफ ग्रीटिंग्स हम समझा सकते हैं, और इस तरह से हमारी जो इंटरेक्शन है वो हमारे पास होती है। ठीक है, तो पेक्युलैरिटी कंसिस्ट इन द फैक्ट दैट ह्यूमन बींग्स इंटरप्रेट और डिफाइन ईच अदर्स एक्शन इंस्टेड ऑफ मेयरली रिएक्टिंग टू ईच अदर्स एक्शंस। तो इन्हीं चीज़ों को जब हम एलेबोरेटिवली समझें तो ह्यूमन बींग्स मस्ट बी अंडरस्टूड एज अ सोशल पर्सन। ह्यूमन एक्शन इज नॉट ओनली इंटरेक्शन अमंग इंडिविजुअल्स बट ऑल्सो इंटरेक्शन विद इन द इंडिविजुअल। कॉजेज अनफोल्ड द प्रेजेंट सोशल इंटरेक्शन, प्रेजेंट थिंकिंग एंड प्रेजेंट डेफिनेशन। वर्ड सच एज कंडीशनिंग, रेस्पॉन्डिंग, कंट्रोल, इम्प्रिजेंट एंड फॉर्म्ड आर नॉट यूज टू डिस्क्राइब द ह्यूमन बींग्स इन सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी है। तो ये किसने दी है, हमारे पास मेलाइन क्लीन सर ने। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि बच्चा जो होता है, ठीक है, उसकी जो नेटल हम बोल सकते हैं या इन्फेंट जो लर्निंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है थ्रू आउट हिज और हर लाइफ। ठीक है, चिल्ड्रन लर्न थ्रू टेकिंग द रोल ऑफ सिग्निफिकेंट अदर, एस्पेशली फर्स्ट केयर गिवर द मदर। ठीक है, और जो इन्फेंट उसकी लर्निंग है, और उस लर्निंग को जब वो नेक्स्ट लेवल पे जाके सीखता है, जहाँ पर वो जो भी एजेंट्स उसके आसपास हैं उनको वो सब्स्टिट्यूट करने की ट्राई करता है, तो वहाँ पर उसमें क्या होता है, वो नए रोल्स को लर्न करता है जो उसके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। सजेस्ट दैट द वे पीपल रिलेट टू अदर्स एंड सिचुएशन इन देयर एडल्ट लिव्स इन शेप्ड बाय फैमिली एक्सपीरियंस ड्यूरिंग देयर ड्यूरिंग इन्फेंसी। फर्दर मोर इट्स ऑल्सो एम्फेसाइज दैट ह्यूमन्स आर प्राइमरली मोटिवेटेड बाय द नीड फॉर कॉन्टैक्ट विद अदर्स, द नीड टू फॉर्म रिलेशनशिप्स। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास साइको एनालिटिक थ्यूरी। ठीक है, ये है हमारे पास सिगमंड फ्रूड सर ने दी है। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, पर्सनैलिटी एक इंडिविजुअल की क्या है, रिजल्ट है किसका, अनकॉन्शियस मोटिवेशंस, और कंपोनेंट्स क्या हैं उसके लिए, ईगो एंड सुपर ईगो। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि बच्चा अगर अच्छी मतलब अच्छी वैल्यूज़ के साथ ग्रो हो रहा है तो वो अच्छी पर्सनैलिटी बनाएगा, और वाइसी वर्सा भी उसके साथ चलेगा। ठीक है, कंप्लीटली अनकॉन्शियस इम्पल्सिव चाइल्ड लाइक पोर्शन ऑफ द साइकी दैट ऑपरेट्स ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल एंड इज द सोर्स ऑफ बेसिक इम्पल्सिस दैट ड्राइव्स इट सीक्स इमीडिएट प्लेजर एंड ग्रेटिफिकेशन। ईगो एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द रियलिटी प्रिंसिपल, और सुपर ईगो क्या करती है, एम करती है परफेक्शन के लिए।
इट कंप्राइजेज दैट ऑर्गेनाइज पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर मेनली बट नॉट एंटायरली अनकॉन्शियस दैट इंक्लूड्स इंडिविजुअल्स ईगो आइडियल स्पिरिचुअल गोल्स एंड साइकिक एजेंसी दैट क्रिटिसाइज एंड प्रोहिबिट्स ड्राइव फैंटेसीज फीलिंग्स एंड एक्शंस. क्लियर. नेक्स्ट है हमारे पास सोशल लर्निंग थ्योरी. तो ये थ्योरी हमें किसने दी है, अल्बर्ट बैंड्यूरा ने. तो ये क्या कहते हैं कि जो भी पर्सनैलिटी एक इंडिविजुअल की बन रही है वो बन रही है बाय ऑब्जर्विंग मिमिकिंग, ठीक है, द अदर इंडिविजुअल्स प्रेजेंट नियर टू देम. तो उसके लिए हमारे पास जो एजेंट्स बनेंगे ऑब्जर्वेशन रिटेंशन रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन, ये तो आज ही की है हमने, ठीक है. तो ये है हमारे पास सोशल लर्निंग थ्योरी. नेक्स्ट है हमारे पास लुकिंग ग्लास थ्योरी. ये हमें सी एच कूले सर ने दी थी, ठीक है. लुकिंग ग्लास थ्योरी में हमने क्या किया था कि यहाँ पर हम ये स्टडी करते हैं कि नेक्स्ट पर्सन जो हमें ऑब्जर्व कर रहा है वो हमें किस वे में ऑब्जर्व कर रहा है, हमारी किन चीज़ों को वो ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, और उनके परसेप्शंस पे उनके गैसेस को हम समझते हैं और अपनी पर्सनैलिटी को एनहांस करते हैं या चेंजेस लाते हैं उसमें. क्लियर. पीपल शेप देमसेल्फ बेस्ड ऑन व्हाट अदर पीपल परसीव एंड कन्फर्म अदर पीपल ओपिनियन ऑन देमसेल्फ, ठीक है. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वी चेंज आर सेल्फ परसेप्शन बेस्ड ऑन हाउ वी गेस अदर्स परसीव अस नॉट ऑन हाउ दे एक्चुअली परसीव अस, ठीक है. इफ यू हाँ जी क्लियर. नेक्स्ट है सोशल सेल्फ थ्योरी. ये दी है जी एच मीड सर ने. यहाँ पर हमारे पास किसका कंसेप्ट आया था, आई एंड मी का, ठीक है. तो आई एंड मी में मैंने आपको क्या बताया था कि जिस तरह से सोसाइटी हमारे परसेप्शन बना रही है वो हमारे कौन क्वालिफाई करके देगा, दैट इज़ योर मी. बट हम उस चीज़ पे किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं या हमारा क्या ओपिनियन उस पे आता है, दैट इज़ योर आई, ठीक है. वंस आइडेंटिटी एमर्ज आउट ऑफ एक्सटर्नल सोशल इंटरेक्शन एंड इंटरनल फीलिंग्स ऑफ वन सेल्फ. सेल्फ इज़ नॉट एविडेंट एट बर्थ, लेकिन जैसे जैसे वो कुछ न्यू वैल्यू सीखेगा न्यू ऑब्जर्वेशंस करेगा तो उसकी एक पर्सनैलिटी बनेगी, ठीक है. बट मीड्स थ्योरी ऑफ द सेल्फ कन्विंसिंगली शोज अस दैट द वे ऑफ थिंकिंग इज रॉन्ग हेडेड. वट अदर्स थिंक ऑफ अस परस्पेक्टिव ऑफ अदर्स वी गेन फ्रॉम बींग ए पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन और जेस्चर्स आर एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर अस टू इवन हैव ए सेंस ऑफ सेल्फ. जहाँ पर हमें क्या समझ आएगा कि मी क्या है. बट वी थिंक ऑफ आर सेल्फ एज इंडिविजुअल टू बी श्योर बट वी आर ओनली एबल टू डू सो बाई वर्च्यू ऑफ बींग द पार्ट ऑफ लार्जर सोशल कम्युनिटी दैट इज योर आई. क्लियर. तो यहाँ पर हमारी थ्योरीज होती हैं ख़त्म और थ्योरीज के साथ ही हमारा चैप्टर सेकेंड भी होता है ख़त्म. कल हम बनाएंगे इनके टेस्ट और लगाएंगे क्वेश्चंस और उसके बाद हम करेंगे चैप्टर थर्ड स्टार्ट. क्लियर. तो थैंक यू गाइस फॉर जॉइनिंग. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन गुड बाय. हैव ए गुड टाइम और हाँ रिवाइज करते रहिए, ठीक है. बाय बाय.